नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, ऑपरेशन हफ्ता वसूली चाइनीज करेक्शन जा चुका है। अब हमें लगा था कि जो रिकवरी एजेंट है वो थोड़ा सुधरेंगे, मतलब कि धमकियां नहीं देंगे। तो मैं आपके सामने, जैसे ऑपरेशन हफ्ता वसूली में आपको दिखाया गया था कि क्या क्या हो रहा है, तो वैसे इस वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो यार, ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट वन गया, टू गया और थ्री भी चला गया। तो एक होता है ना कि हमें फ़ायदा हुआ था इससे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। कुछ कुछ जो कंपनियाँ थी उन्होंने हमें मॉरेटोरियम भी प्रोवाइड करवाया था, कुछ कुछ ने रिकवरी बंद कर दी थी, कुछ ने डाटा ही डिलीट मार दिया। जो कुछ टेढ़ी कंपनियां रह गई थी वो नहीं सुधरी। अब नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आपको प्रूफ्स दिखाऊंगा कि कल को आप लेने से पहले और इसमें लोन लेने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना। अब सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, अगर आप भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आप अपनी इज्जत बेच रहे हो। पहली चीज, आप अपनी इज्जत बेच रहे हो। कल को आप टाइम पे रिपे ना कर पाओ तो आपको भी ये परेशानियां झेलनी पड़ेगी जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सोच समझ कर ही लेना भाई लोन। लोन लेने के लिए कोई मना नहीं करता, बट आप उनको बढ़ावा मत दो कि जैसे कि एक होता है ना कि यार इधर फाइट हो रही है तो उधर लोग लोन ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप मत लो लोन। अब जो हम बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि ऐसी क्या क्या परेशानियां आ रही है, कैसी कैसी धमकियां दी जा रही है एजेंटों द्वारा। अब गाइज, मैंने ट्विटर पे चेक किया था, मतलब एक होता है ना कि ऐसा, मतलब कि कोई सॉल्यूशन आया नहीं आया अभी तक। तो मेरे सामने कुछ पोस्ट आई, ट्वीट्स आए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको शेयर करूँ। अगर ये न्यूज़र्स देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना कि लोगों को पता लग जाए कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ क्या था, कि वो मैं भी पढ़ गया यार, मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि मतलब उस रिकवरी एजेंट ने क्या बोल दिया कस्टमर को कि हम आपकी डॉटर को उठाकर ले जाएंगे आपके घर से। तो ये सबसे पहले इलीगल काम है। इलीगल क्या यार, गैर कानूनी है। पहली बात तो कंपनी को तो छोड़ो, सबसे पहले उस एजेंट को जेल होगी क्योंकि उसने धमकी दी। और पहली बात भाई, मैं उस एजेंट को बोलना चाहूँगा कि वो भाई तेरे पिताजी का पैसा नहीं था जो तू बोल रहा है कि मैं घर से उठा लूँगा, तो थोड़ा तमीज में, कंपनी के लिए काम कर रहा है तो कंपनी के लिए काम कर, लेकिन उल्टा मत बोल। उल्टा बोलने के लिए तेरे को किसी ने हक नहीं दिया। जो तू गालियाँ बक रहा है ना, तू भी किसी माँ का बेटा ही है और तू भी किसी बाप का बेटा ही है और तेरी भी कोई बहन ही है और आने वाले फ्यूचर में ना तेरी भी कोई बेटी ही होगी। और कल को कोई तेरे को ऐसा बोलेगा ना कि तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे, तो सोच तेरे को कितना बुरा लगेगा। तो बोलने से पहले ना सोच लियो, ठीक। पहली चीज ये नोटिस करी। अब दूसरी चीज क्या देखी मैंने, मैंने फिर ऊपर गया ट्वीट्स को, सेकंड ट्वीट आपके सामने फिर मैं दिखाता हूँ क्या था, कि उसमें जो कस्टमर था उसमें एजेंट क्या बोलता है कि मैं ग्रुप बना के आप सबके लोगों को, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ ग्रुप क्रिएट करके मैं आपको फ्रॉड बोलूँगा। तो लगा यार कि बोलेगा नहीं बोलेगा, बट कह भी नहीं सकते थे, लेकिन उस एजेंट ने ऐसा कर दिया। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। तो हुआ क्या, उस बंदे ने उसकी फोटो और ग्रुप बनाया, और एक चीज देख लो कि उसमें कस्टमर मैसेज ना कर पाए, इसलिए ओनली एडमिन, जो एडमिन वाला ऑप्शन होता है बस एडमिन ही मैसेज करेंगे, जिसमें वो अकेला एजेंट नहीं होता, उसके साथ चार पांच बंदे और होते हैं। ये भाई मिली भगत है ना। तो ऐसे करते करते ये आप सबकी इज्जत उतारते हैं। अगर आप इसको देख रहे हो तो भाई समझ जाना कि आप लोन लोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, अगर आपने टाइम पे रिपे नहीं किया तो। और पहली बात, लेना ही मत। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े हम, फिर देखा एक नई मुसीबत। अब क्या होता है जी, बैंकिंग भी पीछे नहीं हट रही। अब बैंकिंग के रिकवरी एजेंट भी परेशान कर रहे हैं भाई, कलेक्शन हो रही है सबकी। अब जो इतना उतार चढ़ाव आ रहा है क्यों, मतलब जैसे कि आपको ये पता है, मोरेटोरियम मेन फंडा। मोरेटोरियम वन चला गया, टू चला गया, थ्री चला गया। हाँ, उस दौरान में लोगों को परेशानी नहीं हुई थी। वन चला गया, टू चला गया, कोई परेशानी नहीं हुई थी। अब जो थ्री की डिमांड हो रही है, इसमें सुनवाई जो अभी बढ़ते जा रही है, अब दोबारा तारीख बढ़ चुकी है, तो लोगों के ख्याल में यही डर आ रहा है कि मोरेटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना
कि क्या आपको लगता है कि मोरेटोरियम आपको मिलने के बाद ये कंपनी आपको परेशान नहीं करेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो इसका तोड़ क्या है? गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही? गवर्नमेंट एप्लीकेशन को बैन कर रही है, सारी एप्लीकेशन को बैन कर रही है, बट जहां पे क्यों नहीं बैन किया जा रहा? ये एक क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी है। तो हो सके तो ये मैं एक क्लिप काट करा यही की क्लिप की जो गवर्नमेंट से मैंने क्वेश्चन करा, यही क्लिप काट के मैं ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगा। तो सपोर्ट जरूर कर देना दोस्तों, मैं अपनी ट्विटर की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे आके सपोर्ट कर सकते हो। कि क्या है, जितनी आवाज हमारी आगे जाएगी उतना हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन बात यह है ना कि यार फाइट अभी से हम नहीं कर रहे, लॉकडाउन मार्च से हम फाइट कर रहे हैं, मार्च से फाइट कर रहे हैं, क्या मिला? कुछ भी नहीं। कैसे होगा? हमने ये सोचा यार कि अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, लेकिन नहीं सुधरे। तो इसमें घाटा किसका हुआ? अपना। तो भाई सबसे पहली बात, अगर पहली बात तो कंपनियों को बोलूंगा भाई कि जो भी अगर तुम अपने एजेंट को ट्रेनिंग देते हो तो थोड़ा ढंग से दो कि रिकवरी कैसे की जाती है, कि उल्टा सीधा ना बोलो बिल्कुल भी। और आपको ये हक किसी ने भी नहीं दिया, और ये आपको पता होना चाहिए कि आप मानहानि का कोई भी अगर आपके ऊपर केस ठोक सकता है, लेकिन बात यह है कि पब्लिक को उतनी नॉलेज नहीं है कि वो ठोके। एक तरीके से आप उनकी मानहानि कर रहे हो, धमकी। और पहली बात, कंप्लेंट देने जाते हैं तो कंप्लेंट्स ली नहीं जाती, ये भी। तो ये क्वेश्चन अब हो गई पुलिस वालों से। तो भाई यहाँ पे ये है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्विटर पे ट्वीट जब करते हैं तो पुलिस वालों को भी टैग करते हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उनका सपोर्ट कीजिए। उन्होंने गलत कुछ भी नहीं करा था, उन्होंने बस लोन लिया। और आपको ही पता है अगर लॉकडाउन नहीं होता, फिर कोई गलती होती तो उसमें कस्टमर की गलती थी, बट इस टाइम पे कस्टमर की गलती नहीं है, लोगों के रोजगार नहीं है, लोगों को काम छोड़ गया, खाने खाने के लिए लोग तरस रहे। और जो लोन ले रहे हैं किस लिए ले रहे हैं? खाने के लिए ले रहे हैं। कोई उधार दे नहीं रहा इस टाइम पे कि भाई चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आप इस वीडियो से सहमत हो, देन इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।